नमस्कार, मैं रोशनी और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। चुरचुरा रविंद्र नगर से 19 आर्म की हुई रिकवरी। 13 और 14 जुलाई रात को चुरचुरा के जेटी रोड पर रविंद्र नगर में पुलिस ने रेड मारा था, जिसका पुलिस ने अब जाके खुलासा किया है। रेड में चंदन नगर के DCP कनन साहब, ACP आर्म, DD के टीम तथा थाने के OCP भी शामिल थे। उसी दौरान 26 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें नेपा एलिया उर्फ पोसनजी शाह तथा भगाना भी शामिल था। चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर हुमायूं कबीर का कहना है कि उन आरोपियों को पकड़ने के दौरान 2 कार्बाइड, 6 मस्केट, 1 DDBL गन, 9 mm और 3 mm पिस्तल, 1 रिवाल्वर तथा 7 सेटल बरामद किया गया था। 13 और 14 जुलाई रात को DCP चंदन नगर कन्नन साहब ACP वान थे और CIDD का टीम था, हम लोग का थाना का उसी भी थे, तो सारे रेड किया था रविंद्र नगर, उसके ऊपर गोली चला था। तो सुबह से फिर रोड ब्लॉकेट एलोगे ही किया था। ये जो नेपा है, नेपा एलियास चिकना एलियास प्रसन्नजीत साहा, ये भागना है, जो सब मिला के जो बहुत आदमी, करीब 2000 आदमी, आपने देखा था कि 14 तारीख को रोड पे आया था, उधर के GT रोड ऑब्स्ट्रक्शन किया था, ब्लॉकेट किया था और टायर फेंक करके उसको आग लगाया था। तो उसके बाद हम लोगों ने लाठीचार्ज करके डिस्पर्स किया था और मैदान में गए थे हम लोग। बहुत रेड पेट करने के बाद किसी को पकड़ा नहीं गया था। 10-12 आदमी हम लोग पकड़े थे, लेकिन उसमें से क्रिमिनल लोग नहीं था, ये लोग था भाग गया। तो उस दिन हमने 14 तारीख को हम लोगों ने सब बोला था एक साथ में कि रविंद्र नगर में बहुत सारे आर्म्स है जिसके ऊपर गोली चली है, लेकिन हम लोग उसका कार्रवाई करेंगे, कड़ा सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसलिए हम लोगों ने लगातार DD को लगा कर रखा, थाना जो है थाना का बड़ा बाबू और सब बाकी ऑफिसर को लगा कर रखा, उसने कैंप लगाया, उसमें वहाँ पर उसका जो फैक्ट्री है उसमें जो सुपारी फैक्ट्री था उसको बंद किया। करने के बाद ये लोग हम लोग चेज कर रहे थे कि हम लोग रविंद्र नगर को पूरा क्लीन अप करना चाहते हैं। तो उसके दौरान में हम लोग कभी आज तक 26 आदमी को पकड़े हैं, उसमें से टोटल 40 फायर आर्म रिकवरी हुआ है। 10,000 का फायर आर्म देखें, उसमें 3 कार्बाइन है, रेगुलर आर्म्स है, रेगुलर 9 mm, रेगुलर 7 mm, सारे के सारे आर्म्स हैं। और सबसे ज़्यादा हम लोग को परेशानी इसलिए है कि मोर देन 600 एमुनिशन रिकवरी हुआ है, ठीक है। तो अभी है फ्री हो गया ऑलमोस्ट रविंद्र नगर, 2-3-4 आदमी बाकी रह गया है गैंग का, वो बड़ा कोई नहीं रहा। बड़ा मैं बीच जो सेकेंड मैन जो था, ये सेकेंड कमांड जो इसका नाम है चिकना एलियास प्रसन्नजीत साहा, जिन्होंने बताया आपको, छोड़ करके अभी बाकी 2-3 अभी जो है भागा हुआ है, लेकिन उसको भी जल्द से जल्द हम लोग पकड़ेंगे। बाकी 4-5-6 आर्म्स रह गया है, उसको हम लोग बरामद करेंगे। रिसेंट जो रिकवरी हुआ है वो क्या क्या हुआ है? अभी जो रिसेंट रिकवरी हुआ है उसमें 2 कार्बाइन है, उसमें 6 मास्केट है, 1 DBBL गान है, 3 9 mm पिस्तौल है, 3 7 mm पिस्तौल है, 1 रिवॉल्वर है और 7 शॉटगन है। टोटल 19 आर्म्स रिकवरी हुआ है। ड्रिल मशीन जो हुआ है ये लोग आर्म बनाता था, अब कितना आर्म बनाया है, इसमें जो ड्रिल मशीन है इसमें शॉटर ही बन सकता है, 9 mm 7 mm नहीं बना सकता। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जितने सारे आर्म देख रहे हैं, ये लोग तो रेगुलर बेसिस पे फायर करता रहता था, अपना निशाना प्रैक्टिस करना, ये करना, डराना धमकाना, फायर करता था, उसमें आर्म्स में डैमेज होता है, डैमेज होने से ये लोग रिपेयर करते हैं। रिपेयरिंग जो भागना है, ये भागना ये नेपाल सभी ये लोग थोड़ा बहुत काम जानता है, मुझे लग रहा है कि कहीं बाहर से मिस्त्री लाया था, लोग ला करके मैकेनिक जो है उसको ला करके सीखा है और लोग यहाँ रिपेयर कर रहा था आर्म्स आज बना के बाहर भेजा है। इस तरह का खबर हम लोग के पास अब तक नहीं है, अगर कभी फिर खबर आएगा तो फिर उसको भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, ठीक है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे लाइव भारत न्यूज़ में।